नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकतंत्र का महापर्व अपने सफर का आखिरी पड़ाव भी पार कर चुका है, अब बस इंतजार है इस जंग के नतीजों का। देश की तमाम जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार किसके माथे पर सत्ता का सहरा सजने वाला है। यूं तो चुनावी नतीजे 23 मई 2019 को घोषित होने वाले हैं, लेकिन जनता के अंदाजों की दौड़ शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कल लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान हो चुका है और इसी के बाद से तमाम टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल की लहर चल पड़ी है। अब एक ओर जहां सभी एग्जिट पोल्स की अपनी अलग कहानी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने एग्जिट पोल को लेकर क्रिएटिविटी दिखानी शुरू कर दी है। अगर बात करें एग्जिट पोल से लगाए गए अंदाजों और आंकड़ों की, तो ज्यादातर एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये 23 मई को साफ हो जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया में इसे लेकर लोगों की बहस देखने लायक है। जहां बीजेपी समर्थक कई लोग सर्वे पर सहमति जता रहे हैं, तो वहीं कई लोग सर्वे को गलत बता रहे हैं और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। सर्वे को लेकर विपक्ष पर मजाक भी किया जा रहा है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि विपक्ष पर बने वो मजेदार मीम्स जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी की फोटो को लेकर एक मजेदार मीम काफी वायरल हो रहा है। वहीं एग्जिट पोल आने के बाद देश की पार्टियों की क्या हालत हुई है, इसे आमिर खान की फिल्म 3 इडियट के एक सीन से बताने की कोशिश की गई है। तीसरे मीम के जरिए ये दिखाया गया है कि विपक्ष पार्टी एग्जिट पोल नतीजों को कुछ इस अंदाज में आंखें फाड़ कर देख रही है। बात करें चौथे मीम की, तो रणवीर सिंह के सिम्बा फिल्म का डायलॉग लिखते हुए टेल मी समथिंग आई डोंट नो के जरिए राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की मौजूदा हालत पर मीम्स बनाते हुए लिखा है, कैसे करोगे तुम इस जालिम दुनिया का सामना। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के मैडम तुसाद की तस्वीर को शेयर करते हुए साल 2014 और 2019 के नतीजों की तुलना की गई है। वहीं राहुल गांधी की हार का मजाक बनाते हुए एक यूजर ने लिखा, अब करण जौहर उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में लॉन्च करेंगे। भाई अब मौसम चुनावी है, तो राजनीतिक दलों की ये जंग तो दिलचस्प होनी ही है, लेकिन 23 मई को आने वाले नतीजों को लेकर राजनीतिक दल और जनता की एक्साइटमेंट भी देखने लायक है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।